जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से ठीक ठाक हैं। अच्छा जी, ऑनलाइन बैच 7 की ये जो है 9 असाइनमेंट जो है वो आप लोगों को दी गई थी, उसके हवाले से डिस्कशन हो रही है। तो राबिया खान का ये सवाल था कि अगर ब्रांड जो है वो अप्रूवल दे देता है तो उसकी क्या किस तरह मानता है। बेसिकली वो एक लंबी चौड़ी आपको ईमेल करता है, ठीक है। डिफरेंट सिनारियोज होते हैं, किसी मेल में वो आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, किसी सिनारियोज में वो आपको अपने जो वो कैटलॉग प्रोवाइड कर रहा होता है, प्राइस लिस्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है, पेमेंट मेथड प्रोवाइड कर रहा होता है, किसी सिनारियो में वो आपको अपना एक लिंक देता है, कहता है इस लिंक पे जाएं, यहाँ पे एक फॉर्म है वो आप फिल करें, ठीक है, और आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो आप हमें बताएं, रिप्लाई बैक करें, हम आपको वहां पर रिप्लाई करेंगे आपकी जो है वो कंसाइनमेंट के हवाले से, ठीक है। तो मैं इस तरह बिल्कुल भी आपको नहीं बता सकता हूँ कि वहां पे क्या लिखा हुआ था एग्जैक्टली, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा ऑफ द ट्रैक आपको दिखा दूंगा ही में, ठीक है। अच्छा, सिंपल उसमें सिंपल ये होता है, राबिया तान को मैं भी आंसर देना चाहूंगी कि अप्रूवल का वर्ड यूज नहीं हुआ होता। अगर उसने अपने डिस्ट्रीब्यूटर का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है कि मेरे डिस्ट्रीब्यूटर से राब्ता करें, तो खुश हो जाएं आप कि वो आपको अप्रूवल देने के लिए तैयार है, पहली बात। और समटाइम्स ऐसा होता है कि सबने अपने अपने बजट बनाए हुए होते हैं, अगर उन्होंने मेल के अंदर लिखा हो कि आप कम से कम भी हमसे $1500 की परचेजिंग करें या $1000 की, तो इसका भी मतलब है कि वो आपको अप्रूवल दे रहा है और अपनी शर्तें बता रहा है कि पहला ऑर्डर आपको इतने का मिनिमम भी करना पड़ेगा, ठीक है। इन दो सूरतों में हमें होता है कि ये हमें पॉजिटिव रिप्लाई दे रहा है। समटाइम्स ऐसा होता है कि डायरेक्ट वो आपको एक कैटलॉग, जैसा कि सर ने बताया, प्रोवाइड कर देता है, वो एक लिंक के थ्रू ही होता है। जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं ना, तो वो एक मेन्यू कार्ड की तरह ओपन हो जाता है, उस ब्रांड की तमाम प्रोडक्ट्स ओपन हो जाती हैं, सामने उनकी प्राइसेस लिखी हुई होती है कि किस किस प्राइस में। अगर इस तरह भी आपको वो कैटलॉग प्रोवाइड करे तो समझ जाए कि आपको अप्रूवल मिल चुका है, ठीक है। ये तीन निशानियां हैं। जी सर, जी बिल्कुल। अच्छा जी, सर जी, सर फोन नंबर में, सर जब मैं ब्रांड के अंदर जाके, आवाज आपका बिल्कुल स्लो है, कुछ नहीं सुनाई। हेलो, जी जी, हेलो, अब आवाज आ रही है सर, क्लियर है आवाज? जी जी जी। सर जब ब्रांड के अंदर मैं जाके कॉन्टेक्ट अस में जा रही हूँ, वहां पे उन्होंने फोन नंबर मांगा है, फोन नंबर वो ये कह रहा है कि डज नॉट लुक राइट। अब मैं फोन नंबर किस तरीके से एंटर करूं? जो आपने नंबर दिया प्लस वन नहीं लिखेंगे, उसके बाद का जो कोड आता है वो लिखेंगे आप, ठीक है, जैसे प्लस वन नहीं लिखना। जी ओके, ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर कुरतलेन के बाद डॉक्टर सैमा, आप बताइए आपने असाइनमेंट जमा करवाई है या वर्किंग की है, क्या आपने किया? डॉक्टर सैमा आप सुन रही हैं? सर मैंने अगर ब्रांड के मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश किया, तो उसमें जो भी फॉर्म सामने आता है उसके फिलिंग में कुछ एक्स्ट्रा चीजें थी जो समझ नहीं आ रही थी, और कुछ परचेजिंग का वो कुछ इस तरह से था जैसे हमने कुछ रिटर्न करना है या और कांटेक्ट पे देखा तो ईमेल सेंड किया, वो भी नहीं हुआ। डिस्ट्रीब्यूटर को कांटेक्ट किया तो वो भी किसी की भी प्राइस जो है वो अच्छी नहीं मिली, ऑलमोस्ट उसके इक्वल थी। मीन्स वर्किंग सुबह फजर तक होती रही है, लेकिन कोई भी वर्किंग नहीं हुई। अच्छा, गेट डन नहीं हो पाया, ठीक है। कॉल की किसी ब्रांड को आपने? मतलब ये आपकी आपको कंफ्यूजन है इस बात में, मुझे ईमेल सेंड करने का। चलें, मैं आज हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा इसको जो है ना ओवरव्यू कर दें, ठीक है जी। सर इसको प्रैक्टिकली सामने सारा प्रोसीजर जो है ना वो एक किसी एक ब्रांड पे करके दिखाएं। बस हमने कल मेरे ख्याल से ऑफ द ट्रैक हम जब जाते हैं तब आप लोग प्लीज ऑनलाइन रहा करें ना,
तो फिर वो चीजें ये रिकॉर्ड में तो मैं नहीं कर सकता ना, किसी और की एलएलसी एड कर, एंड पे पता नहीं एंड पे मेरी तरफ से वो ऑफ हो गया था। प्लीज इसको आप देख लीजिए, ठीक है अभी समझाते हैं थोड़ी देर। उसके अलावा जान, एक्सक्यूज मी सर, जी सर ये सर देख ले सर, मैंने आपको चैट में लास्ट में पिक्चर भेजी कॉन्टेक्ट ब्रांड, सर मैं नंबर बार बार लिख रही हूँ लेकिन वो कह रहा है कि मैच नहीं हो रहा, नंबर सही नहीं है, वो ये कह रहा है नंबर सही नहीं है। आप किसका नंबर डाल रही हैं? सर वही नंबर जो सर आपने जो मुझे प्रोवाइड किया था यूएस का। ठीक है सर आप ये चेक कर लें सर, चैट में ही है सर कॉन्टेक्ट ब्रांड के नाम से पिक्चर। ये खुद ही आ रहा है या आप डाल रही हैं? नहीं 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 सर खुद ही आ रहा है सर। ठीक है जी, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, और ये नंबर सर क्यों नहीं कर रहा सर? जी जी सर वही है सर, वही नंबर मैं देख रहा हूं। जान सर आप एक मिनट में नंबर ऑन कर रहा हूँ, वही नंबर है जो हमने आपको दिया है। या आप गलत नंबर डाल रही हैं? सर आपने यही तो नंबर दिया ना। अच्छा चलो, वो शायद ऑफ हो गया होगा, आप ये वाला नंबर देखिए, मैं अभी आपको दोबारा लिख के दे रहा हूँ। ठीक है 8123 650664। ठीक है मैंने ये भेज दिया, वो नंबर शायद बंद हो गया हमारा। ठीक है ठीक है, थैंक यू सर, जज़ाक अल्लाह। अच्छा जी, बाकी कौन है हमारे साथ? जान शेयर आप बताइए, आपने जो है वो नाइन्थ असाइनमेंट के हवाले से क्या काम किया, क्या हर्डल्स आए आपको, क्या परेशानी आई? जो मेरा फर्स्ट ब्रांड था पार्क फूड के वाले देखे हैं, उसके डिफरेंट मैंने मतलब के साइट्स चेक की हैं। एक तो सर उसमें सेम प्राइस आ रही थी, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर भी जो सेल आउट कर रहा है वो भी अमेज़न की प्राइस के मुताबिक ही कर रहा है सर। ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई सेल आउट कर भी रहा है तो वो $2 का डिफरेंस है, कोई $37 का कर रहा है, कोई $35 का कर रहा है। लेकिन उसमें मुझे जो मेन लगा कि भाई अगर मैं ब्रांड को मेल करता हूँ कि मैं एज अ होलसेल आपसे कुछ यहाँ से लेना चाहता हूँ, ये प्रोडक्ट लेना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने मेल किया सर, क्योंकि वर्किंग डेज नहीं थे तो इस वजह से मुझे उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और बाकी डिस्ट्रीब्यूटर्स को मैंने कॉल्स भी की हैं, मैसेज भी लीव किए हैं, लेकिन अभी तक सर रिस्पॉन्स नहीं आया। आई थिंक इसकी जो ऑफ था ना बीच में सैटरडे संडे का, इसकी वजह से नहीं आया सर। इसके अलावा जो मैंने दूसरी प्रोडक्ट पे काम किया है सर, वो उसमें मुझे डिस्ट्रीब्यूटर मिले हैं जो कि अमेजोन की प्राइस बिल फॉर $10 की थी, तो वो मुझे डिस्ट्रीब्यूटर मिले हैं जो कि $5 का कोई बेच रहा है, कोई $5.35 का बेच रहा है, कोई $6 का बेच रहा है, तो वो मुझे मिले हैं दूसरी प्रोडक्ट में। लेकिन फर्स्ट प्रोडक्ट में काफ़ी हर्डल्स थे सर, लेकिन मैंने मेल किया, इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल तक या परसों तक उसका वर्किंग डेज में उसका फिर रिस्पॉन्स आ जाएगा। अच्छा जी, मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप लोगों ने ये सारा प्रोसेस किया है, ठीक है, मेन जो पर्पस है आप लोगों को यूज टू करना है, ठीक है, आप इस मेथड को फॉलो करें। ठीक है, यही वो मेथड है, यही वो तरीका है, इसी तरह से ही आपको डिस्ट्रीब्यूटर से भी अप्रूवल मिलता है, इसी मेथड से आपको ब्रांड से अप्रूवल भी मिलेगा। ठीक है, प्राइस लिस्ट भी मिलेगी, कैटलॉग भी मिलेगा, फील्ड मार्केट में कहते हैं वो भी आपको इसी ही तरीके से मिलेगी, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, मजीद तरीके आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, पीएल में हमने 25 बार सिखाया था कि किस तरह अमेज़न के आप जो है वो एक जो सेलर है, जो ब्रांड है, उसका हम किस तरह से जाके निकालते हैं कि ये कहाँ से कंसाइनमेंट ले रहा है। ठीक है, इस तरह से मजीद मेथड आप खुद निकाल के आएंगे। ठीक है, और यही तरीका है, ये प्रोफेशनल तरीका है।
अगर आपने ये काम किया तो अच्छी बात है, आप इन फ्यूचर किसी क्लाइंट के लिए भी काम करेंगे तो यही तरीका है, इसी तरीके से आप निकालेंगे। वेरी गुड। अच्छा, आपने ये कुछ ईमेल के हवाले से आपने ये लगाया है, ये आपने कहाँ पे बनाई है असाइनमेंट? कैनवा तो किसी का नहीं चल रहा है, ब्लॉगर पे ट्राई किया इसको मैंने। जबरदस्त, देखे नहीं, ये देखे, बहुत जबरदस्त, बहुत आला, ये देखिए जबरदस्त, ठीक है, वेरी गुड, ऑसम। देखें जी, मैं यही आपको इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जी आपको मेथड एक बताया जाता है, कोई बात नहीं, आप इसको मजीद एक्सप्लोर खुद करेंगे, चीजें होती हैं, ठीक है, आपने एक्सप्लोर करना है। ये देखें, इन्होंने ईमेल किए, यहाँ पे मुझे इन्होंने बता दिया कि सर मैंने इस तरह से ईमेल किए, ठीक है, तो इट्स ओके, कैमरा नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं, दुनिया खत्म नहीं हो गई, बहुत सी और भी चीजें हैं, ठीक है, ओके जी, एक्सीलेंट, वेरी वेरी गुड वर्क बाय उस्मा या अपना जानसे जानशे, थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा जी, और कौन है हमारे साथ? उस्मान महमूद, आप थोड़ा सा बताइए हमें कि आपने सुबह से क्या किया, क्या हुआ, कोई हर्डल्स, कोई परेशानी, कोई बात? सर मेन मसला तो यही है सर, प्रोडक्ट ढूंढना मैन्युअली, ओके, ये बहुत बड़ा मसला है सर। सुबह से बैठ के सर कोई 500 प्लस प्रोडक्ट सर मैन्युअली चेक किए हैं, तब जाके कोई मिला है एक प्रोडक्ट उसमें से जो सारे क्राइटेरिया को मीट करता है सर, जिसमें सर एफबीए हो तो सर उसमें सेल्स कम होती हैं, तो सेल्स डिवाइड करते हैं तो वो पूरी नहीं आती, बाय बॉक्स नहीं डिवाइड हो रहा होता किसी में किसी, सर ये मसला है, ये मेन, तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है? जी जी, मैं इसका एक शॉर्टकट आपको बताऊंगा, आप बड़ा हंसेंगे इस बात पे। अच्छा, ये किस्मत का भी बड़ा गेम है, आप अपने ग्रुप मेट्स से पूछ लीजिए, वो ज्यादा मेहनत करते नहीं है, उनको फौरन से पहले प्रोडक्ट मिल जाती है, जिनमें से जान शेर भी एक है, मैं जानता हूँ एक बंदे को, ऐसा ही है। नहीं यार, असल में यही तरीका सर, मुझे जी सेम विद मी सर, ऐसे मुझे प्रोडक्ट्स मिल रही थी लेकिन मेरे से नेक्स्ट प्रोसीजर नहीं हो रहा था। कोई बात नहीं, वो अभी इंशाल्लाह करते हैं, एक दिन लगा था हमें उसको। इसके अलावा, प्रोडक्ट के अलावा, क्योंकि प्रोडक्ट एनालाइज और रिसर्च हमारी हो गई है, आज के हवाले से उस्मान आप मुझे बताएं कि कोई आपने फर्दर काम किया इसके ऊपर? सर वही डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह चेक किए हैं, तो उस प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर की मैंने आपको बताया था प्राइस, वो सेम ही आ रही थी, सही है, कोई 15-20 मैंने चेक किए थे, हाँ वो नहीं, उस पे नहीं आया, लेकिन ये है कि वो नंबर वगैरह सब कुछ ऐप वगैरह मैंने कर ली है, तो अभी वही मैं मेल वो करने लगा। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर प्लीज यहाँ पे स्टॉप दीजिएगा ताकि मैं आपको थोड़ा सा और यहाँ पे गाइड कर सकूं। देखिए, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर के पास हमें फ्रंट पे अच्छी प्राइस नहीं मिल रही है ना, उसकी वजह ये है, उन्होंने ये लगाई है कि एक बंदा, एक इंडिविजुअल हमसे ये जो परचेस करेगा उसको हम ये प्राइस देंगे, मजीद इसकी अच्छी प्राइस लेने के लिए हम इसको ईमेल करेंगे, ठीक है, कि भाई वी वांट टू ओपन विथ यू अ होलसेल अकाउंट। होलसेल अकाउंट का जब वो सुनते हैं तो उसमें जाहिर सी बात होता है कि बल्क क्वांटिटी में ये लोग परचेजिंग करेंगे, फिर वो अच्छी प्राइस का हमें वो प्राइस लिस्ट देते हैं, कैटलॉग वगैरह देते हैं, ठीक है, ओके सर, ओके, गुड गुड गुड, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा उमर फारूक हमारे साथ हैं। सर, इसका मतलब है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर के पास प्राइस, अब जिस तरह मेरी प्रोडक्ट थी वो 17.99 अमेज़न पे थी और एक डिस्ट्रीब्यूटर मुझे मिला उसकी 13.65 थी सेंट, तो फिर मैं उसको ईमेल कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, ऐसा ही है, क्योंकि सामने जरूरी नहीं है, क्योंकि देखिए वो उन्होंने लगाई है प्रोडक्ट अपने लिए अपने वेबसाइट पे कि लोग हमसे परचेस करें, बायर जो कंज्यूमर बायर करता वो एक करेगा, ज्यादा से ज्यादा दो प्रोडक्ट खरीद लेगा, हद मार के 10 खरीद लेगा, ठीक है, तो उनको वही प्राइस मिलती है जो उन्होंने शो की भी है। जब आप एज अ होलसेलर जा रहे होते हैं तो वो भी ये चीज अंडरस्टैंड करते हैं कि ये बंदा जो है बल्क में क्वांटिटी में खरीदेगा और इसको आगे जाके बेचेगा, तो फिर वो आपको अच्छी प्राइजेस देते हैं, ठीक है, फिर वो आपसे डिमांड करते हैं, अच्छा जी आप अपने LLC के डॉक्यूमेंट जमा करवाएं, आप अपनी सारी चीजें हमें प्रूव करें, फिर हम आपके साथ काम करेंगे, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट का भी ये वो है
कि आप जो है ऐसे इंडिविजुअल बंदे को इस तरह बल्क क्वांटिटी में दोबारा सेल करने के लिए नहीं दे सकते हैं, वो ऐसे बंदे को आप देंगे जो कि ऑलरेडी बिजनेस कर रहा हो, जिसके पास डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल हो। ठीक हो गया? ओके जी मैडम, थोड़ा सा प्रोसेस हम लोग समझा देते हैं इनको जी, फर्दर नेक्स्ट इन्होंने क्या करना था। जी बिल्कुल, आप जी आप लोगों ने एक प्रोडक्ट निकाल ली, फॉर एग्जांपल कोई भी एक्स वाई जेड आपके पास जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, मैं यहाँ से किसी का भी एसएम ले लेता हूँ। ये वाला एसएम ले लिया मैंने, फॉर एग्जांपल अभी कर लिया, इसको मैंने अमेज़न के पेज पे ओपन कर लिया, ठीक है, इसको मैंने अब ये दोबारा रिपीट कर रहा है, ठीक है। अब आपके पास एक प्रोडक्ट है, उसकी आपने प्राइस लेनी है, सोर्सिंग प्राइस लेनी है, ठीक है, ठीक है, दो ही काम है आपके, प्रोडक्ट तो आपको मिल गई, ठीक है, एनालाइज भी होगी, सारी चीजें होंगी एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, इसमें से प्रोडक्ट थी आपकी, प्रोडक्ट वाई नहीं रही, ये वाली, ठीक है, ये वाली आपकी प्रोडक्ट आपकी, इसको आपने ओपन कर लिया, इसका जो भी ब्रांड नेम है आपने इसको कर लिया कॉपी, ठीक है, लिख लें, कॉपी करें, जो मर्जी करें, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कॉपी किया आपने इसको, थोड़ा ऐसा ऐसा समझा देता हूँ सर, इस प्रोडक्ट में आई थिंक ब्रांड डोमिनेशन है इस प्रोडक्ट में, ये मैंने चेक की थी, कोई बात नहीं, मैं रैंडमली चल रहा हूँ, ओके सर, हम लोग आगे चल रहे हैं। इसके बाद का प्रोसेस क्या है? इसके बाद का प्रोसेस, आपने ब्रांड नेम लिखा और उसको एंटर कर दिया, अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आप ब्रांड को ढूंढ रहे हैं, ठीक है, इस ब्रांड को ढूंढ रहे हैं, ये हो सकता है ये ब्रांड की मेन वेबसाइट हो .org, ठीक है, लेकिन मैं फर्दर देखूंगा, नहीं ये नहीं, उसके पास तो प्रोडक्ट है, ये हो सकती है, हाँ जी, ये इसकी हो गई। अब आपने इसकी वेबसाइट निकाल ली अपने ब्रांड की, ब्रांड को आपने जाके जो है वो कॉन्टेक्ट में जाके और इसको ईमेल करना शुरू कर दिया, ठीक है, ये वाली ईमेल है, इसको आप करें यहाँ से कॉपी, ठीक है, कॉपी के बाद आप चले गए अपने जो आपकी बिजनेस ईमेल है, ठीक है, उस पे चले गए, आपने जाके वो जो पैटर्न है इसको कर दिया आपने ईमेल, ठीक है, आपने यहाँ से जाके इसको कंपोज कर दी ईमेल, ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक कोई नहीं है, ठीक है, ना होनी चाहिए, कभी कभार इस तरह यहाँ पर आ रहा होता है कि भाई डायरेक्ट वो फॉर्म हमें दे रहा होता है कि आप फॉर्म फिल करें, ठीक है, आप फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है, अगर ये मांगता है, अदरवाइज इसने ईमेल दे दी, बोला भाई हमसे यहाँ पर आके आप से मजीद आप हमसे पूछें इसके बारे में, ठीक है, ईमेल हो गई। अब आपकी जाहिर सी बात है अप्रूवल हुई या डिनाई हुई, जो भी हुई आपको यहाँ पर ईमेल में इनबॉक्स में आ जाएगा इसकी जो भी प्रोग्रेस होगी, ठीक है, एक तो ये हो गया काम, ये दूसरा काम क्या, अब इसी का ब्रांड से तो बात हो गई, ठीक है, ईमेल भी हो गई, अब इसका डिस्ट्रीब्यूटर हमने ढूंढना, ठीक है, हमने यहाँ के लिखा डिस्ट्रीब्यूटर इन यूएसए, किसका, रेस्क्यू का,